गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, हमने नेक्स्ट पीरियड में क्या सीखा? संज्ञा नाम। तो आज हम सीखने वाले हैं सर्वनाम। आज हम रिएक्टर में क्या सीखने वाले हैं? सर्वनाम, सर्वनाम। ओके। नाम संज्ञा ने बदले वपराता पदों ने सर्वनाम कहे छे। जो हमने संज्ञा सीखी उसमें जो नाम मीन्स के संज्ञा, जो उसके बदले में जिस पदों को हम उपयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। दाखला तरीके, उदाहरण एग्जाम्पल, हूँ, तमे, ते, तेवो, आ, जे वगैरह पदों कोई ने कोई नाम ने बदले वाक्य में वपराय छे। मतलब कि हूँ मतलब कि मैं, आप, वो, ये सब क्या है? कोई ना कोई किसी न किसी पद में, किसी न किसी वाक्य में उनका उपयोग होता है। तो ये सब पदों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम ना छह प्रकार छे। बच्चों, जो सर्वनाम है उसके कितने प्रकार है? सिक्स। कितने प्रकार है? सिक्स। तो आज हम सीखने वाले हैं नंबर एक, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? जुदी जुदी व्यक्तियों के पुरुषों ने दर्शावा माटे वपराता सर्वनाम पुरुषवाचक कहवाये छे। बच्चों, जो जुदी जुदी व्यक्ति है, पुरुष है, उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए जो हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ना पण विभाग पड़े छे। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी तीन विभाग है। पहलो पुरुष सर्वनाम, बीजो पुरुष सर्वनाम और तीजो पुरुष सर्वनाम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तभी हम देखेंगे पहलो पुरुष सर्वनाम। तो पहलो पुरुष एक वचन, पहलो पुरुष एक वचन, हूँ, मारा थी, मारू, मारा माँ, मतलब कि मैं, मेरा, मेरे में, मेरे से, ये सब क्या हुआ? एक वचन, पहलो पुरुष एक वचन। अने एमज आपणे जोई बहुवचन, अमे मतलब कि हम सब, अमने, हमको, अमाराथी मतलब कि हमारे से, अमारू, अमारा मां, हमारे में, ये सब क्या हुआ? बहुवचन। एक वचन में शू आवे? मैं, मेरे में, मेरे से। और बहुवचन में शू आवे? हम, हमें, हमारे से, ये सब क्या है? बहुवचन। अभी हम देखने वाले हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? बीजो पुरुष एक वचन, तू, तमे, तमारा थी, तारू, तारा मा, तारा थी, तारू, तारा मा, मतलब कि तू, आप में, आपसे और आपको, बहुवचन। तमे, तमने, तमारा थी, तमारू, तमारा मा, आप, आपसे, आपको, आप में, ये सब क्या हुआ? बहुवचन। अभी हम देखेंगे थर्ड, तीजो पुरुष एक वचन, उसमें क्या आएगा? ते, तेने, तेनाथी, तेनु, तेनामा, मतलब कि वो, वे, उसमें, ये सब तीजो पुरुष एक वचन। और बहुवचन में आएगा तेवो, तेवोने, तेमनु, तेवोथी, तेमनाथी, तेवोनु, तेमनामा, वो, उसमें, उससे, उससे, ये सब क्या हुआ? बहुवचन। एक वचन, एक वचन मतलब के पहला पुरुष जैसे कि मैं, और सेकंड पुरुष मतलब के आप, और जब तीजो पुरुष मतलब थर्ड मतलब कि जो किसी और की हम बात कर रहे हैं वो क्या हुआ? तीजो पुरुष। तो मैं मतलब के एक वचन, आप मतलब के बीजो पुरुष एक वचन, मैंने तीजो पुरुष एक वचन मतलब कि किसी के बारे में हम बात करें वो तीजो पुरुष एक वचन हुआ। अभी हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, सापेक्ष सर्वनाम। प्राणी के पदार्थ नाम संज्ञा ने बदले वपरायेला एक बीजा ने अपेक्षा रखता जोड़का छे, तेथी ते सापेक्ष सर्वनाम कहेवाय छे। जे, साथे, ते, नी अपेक्षा रहे छे, जेवू, साथे, तेवू मूकवू पड़े छे, आम जोड़कामां आवे छे। मतलब कि जो प्राणी पदार्थ के संज्ञा ने उसके जगह पे जो अपेक्षा रखता जोड़का जो जिसका उपयोग होता है वो है जे, साथे, ते, नी,
जेवु साथे देवु मुकवु ये सब क्या है सापेक्ष सर्वनाम। तो एग्जांपल है जे जाए ते खाए उसमें आया ना ते, जेवु करे तेवु पामे मतलब कि जेवु तेवु ये सब सापेक्ष हुआ। तो क्या हुआ जेवु करे तेवु पामे जैसे करे वैसे उसको फल प्राप्ति होती है। जे जाए ते खाए जो जाएगा वो खाए। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम संज्ञा ने बदले वपराता अने प्रश्न पूछवा माटे उपयोग में लेवाता पदों ने प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे छे। मतलब कि हम किसी को प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहे तो उसके हिसाब से जो पूछ आता है उसको क्या कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब कि हम किसी को प्रश्न पूछ रहे कि आ ओडामा कौन छे कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम छे कौन शू तमारो नाम शू छे प्रश्नवाचक के मैंने आपको प्रश्न पूछा है तमे क्यों पसंद करसो तमारे शू जोईए छे आप क्या कर रहे हो ये सब क्या हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। दर्शक सर्वनाम पासेनी के दूरनी पण प्रत्यक्ष वस्तु के व्यक्ति दर्शावा वापराता सर्वनाम दर्शक सर्वनाम कहेवाय छे। जेम के तमने कोई चादर गमी मतलब कि जो पास की हो या दूर की पण प्रत्यक्ष वस्तु व्यक्ति के लिए जो उपयोग में लिए जाती है सर्वनाम को दर्शक वाचक सर्वनाम कहे छे। उसकी दर्शकता का दर्शा रहे कि उसकी क्या गुणवत्ता है कि तमें तमने कोई चादर गमी आ के पेली जो ये देखाए ये क्या हुआ दर्शक वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम जे सर्वनाम वड़े चौक्स व्यक्ति के पदार्थ नो अर्थ सूचवतो नथी अर्थात जिनो निर्देश अनिश्चित रहे छे तेने अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहे छे। जेम के मतलब कि जो सर्वनाम चौक्स रहता नहीं जो व्यक्ति या पदार्थ नो अर्थ सूचवतो नथी जिनो निर्देश अनिश्चित छे तेने अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहे छे। तमे कहीं कहसो मतलब कि आप कुछ कहने वाले हो या नहीं ऐसा दो मतलब भी हो सकते हैं। तमे कहीं कहसो तमे कहीं लखो मतलब कि तम आप कुछ लिख रहे हो मतलब कि कर रहे हो या नहीं दो भी हो सकते हैं। मतलब कि उसका कोई निश्चित नहीं है इसलिए उसको क्या बोलेंगे अनिश्चित वाचक सर्वनाम। हमें अपने जोवाना छे दरेक ने माटे बाग खुल्लो छे कोई के बूम पाड़ी कई केटला सहू सौ फलाणो अन्य बीजू वगैरह शू छे अनिश्चयवाचक सर्वनाम छे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ आवे छे। हमें अपने जो स्ववाचक सर्वनाम जे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनामनी साथे वपराय तेने पोताने ओळखावे छे ते स्ववाचक सर्वनाम कहे छे। जेम के अमे पोते आमंत्रण आप्युं जे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनामनी साथे वपराय अने पोताने ओळखावे छे मतलब कि जो पुरुषवाचक के सर्वनाम के साथ उसका उपयोग होता है और खुद की पहचान कराता है उसको क्या बोलेंगे स्ववाचक सर्वनाम कहेंगे। जेम के अमे पोते आमंत्रण आप्यु हमने खुद जाके उसको आमंत्रण दिया उसमें खुद की पहचान भी हो रही है। तमे खुद त्या हाजर रहजो मतलब कि आप वहाँ जाके खुद हाजर रहेंगे। नामनी जेम सर्वनाम ने पण जाति वचन अने विभक्ति होय छे पण घणा खरा सर्वनामों त्रण जाति में एक सरखाज होय छे। सर्वनाम जे नामने माटे वाक्य में वपरायु होय ते नामना जाति अने वचन ले छे मतलब के नामनी जेम सर्वनाम ने पण जाति होय छे जो नाम है उसको भी सर्वनाम की तरह उसकी जाति हो रहती है वचन और विभक्ति भी होती है पण घणा खरा सर्वनाम त्रण जाति तीन जाति में ही एक सरखाज हमको दिखाई देता है। सर्वनाम जे नामने माटे वाक्य में वपरायु होय ते नामना जाति अने वचन ले छे। तो प्यारे बच्चों आज आप लोगों ने क्या सीखा सर्वनाम ओके तो आपने आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।